सीईओ कार्यालय के स्पष्टीकरण के बाद भी देर रात तक सत्ती पर कार्रवाई को लेकर क्यासबाजी चलती रही। सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मौखिक रूप से सत्ती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। माना जा रहा था कि आयोग ने इस रुख के बाद सत्ती पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। उधर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने गत दिवस मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार से मुलाकात कर सत्ती पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने सीईओ से कुसुमपुट्टी स्थित कार्यालय जाकर मांग पत्र सौंपा। सुक्खू ने कहा कि सत्ती ने सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही बयानबाजी नहीं की बल्कि राधा स्वामी सत्संग के अनुयायियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के दौरान 1,06,68,464 रुपए का नग चढ़ावा मंदिर न्यास को प्राप्त हुआ है। इस बार चढ़ावे में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष 15,66,000 के करीब चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मंदिर न्यास सोना 349 ग्राम 90 मिलीग्राम और चांदी 1 किलो 350 मिलीग्राम चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जानकारी मंदिर न्यास के अधीक्षक तुलसीराम ने पत्रकारों को दी। हालांकि इस बार नवरात्रों के दौरान जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शनों के लिए पहुंचे, वहीं पर श्रद्धालुओं ने चढ़ावा भी दिल खोलकर चढ़ाया और माता के चरणों में सोने चांदी के अलावा नकद और विदेशी मुद्रा भी खूब चढ़ाई। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीपवर्ती कोलावाला टोबा में सेंटिना धर्मशाला के समीप नीचे की तरफ झाड़ियों में पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की। इस युवक का नाम राजवीर, उम्र 27 वर्ष, पुत्र शिवराज बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस को किसी व्यक्ति ने सूचित किया था कि एक युवक की लाश नीचे झाड़ियों में पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। थाना कोर्ट प्रभारी कुलदीप ने आगामी कार्रवाई को करते हुए जब युवक का सामान चेक किया तो उसकी जेब से एक पहचान पत्र मिला, जिसके तहत पुलिस ने संपर्क किया तो युवक की पहचान उत्तर प्रदेश राजवीर के रूप में हुई। पुलिस ने घर वालों को सूचित कर दिया है और लाश को पोस्टमार्टम करवा कर घर वालों को सौंप दिया जाएगा। डीएसपी श्री नैना देवी संजय शर्मा का कहना है कि युवक के शरीर पर किसी भी तरह के कोई घाव नहीं है। हालांकि शरीर पर थोड़ी सी खरोंचें लगी हैं जो कि झाड़ियों में गिरने से लग सकती हैं। बाकी युवक के पास से एक छोटी बोतल मच्छर मारने की दवाई इसके पास से मिली, जिसमें आधी बोतल थी। पुलिस को शक है कि इसने आधी बोतल पी ली हो और ये 14 तारीख को यूपी से आया था और रोपड़ तक आया था और फिर यहाँ पहुंचा है। पुलिस ने इसके घर वालों को सूचित कर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई के प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर को हटाए जाने से हमीरपुर की छवि देश और विदेशों में खराब हुई है और अनुराग ठाकुर को हमीरपुर की जनता को ये बताना होगा कि उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया था। बिलासपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में भारी उत्साह है और उनके उत्साह को देखते हुए ये लगता है कि हमीरपुर सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को गलत भाषा के प्रयोग से बचने की सलाह दी है ताकि कोई अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मिल रहे भारी समर्थन से भाजपा नेता बौखला गए हैं।
ठाकुर ने कहा कि राम शहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि देश के शराबखोरी और मांसाखोरी की कुरीति को दूर करने में लगे धार्मिक संगठन राधा स्वामी के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिससे प्रदेश के लाखों राधा स्वामी परिवारों में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर के सांसद ने अधिकतर समय विदेशों में ही बिताया है और अब चुनावों के दौरान उन्हें हमीरपुर के लोगों की याद आई है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से क्यों त्याग पत्र देना पड़ा, इसका ठोस कारण जनता को बताना होगा, क्योंकि इससे हमीरपुर का सिर देश विदेश में नीचा हुआ है।